हेलो स्टूडेंट्स, 12th जनरल इंग्लिश लेसन 3, अ फादर्स लेटर का सेकंड लेक्चर लेकर मैं सीमा अग्रवाल उपस्थित हूँ। आइए, हमने जो पिछले लेसन में पढ़ा उसके आगे का पढ़ते हैं। विलियम हैजलेट ने अपने बेटे को, जो हॉस्टल जा रहा है या एक बार जा चुका है, और उसकी बहुत सारी शिकायतें हैं हॉस्टल के बारे में, उनके बारे में उसने अपने बेटे को ये एक पत्र लिखा है। उसमें हमने पहले में पढ़ा था कि बेटे को स्कूल पसंद नहीं आया तो पिता ने सलाह दी थी कि नेवर डिस्पाइज एनी वन फॉर हिज पॉवर्टी, कभी भी किसी की उसकी गरीबी के लिए घृणा मत करो। हम इसके आगे का आज पढ़ते हैं। आई वुड विश यू टू कीप अप अपीयरेंसेस योर सेल्फ एज अ डिफेंस अगेंस्ट द आइडल स्नियर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं चाहता हूं कि तुम आइडल स्नियर्स, दुनिया के जो व्यंग हैं, उनके सामने अपीयरेंस रखो, दिखावा करो। बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम। परंतु मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम अपनी वैल्यू, अपनी कीमत उनके अनुसार आंको। आई होप यू विल नाइदर बी द ड्यूप नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर प्रीजुडिसेस। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम ड्यूप, भोले भाले या विक्टिम, शिकार नहीं बनोगे दुनिया के वल्गर प्रीजुडिसेस के, दुनिया के सस्ते पक्षपातों के। इंस्टेड ऑफ सेइंग अबो, नेवर डिस्पाइज एनी वन फॉर एनी थिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प। मैंने पहले कहा है कि किसी से भी घृणा मत करो जिसकी करने के लिए वो मजबूर हो। इसकी जगह मैं कहना चाहता हूँ, आई माइट हैव सेड, मुझे कहना था, नेवर डिस्पाइज एनी वन एट ऑल, कभी भी किसी से भी घृणा मत करो। फॉर कंटेम्प्ट इम्प्लाइज अ ट्रायम्फ ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अदर्स। क्योंकि कंटेम्प्ट जो है, इसका अर्थ है एक ट्रायम्फ, एक जीत, और प्लेजर, आनंद, इन द इल ऑफ अनादर, दूसरों की जीत, बुराई में हम खुशी महसूस करें। इट मीन्स दैट यू आर ग्लेड एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन देयर फेलिंग्स और मिसफॉर्चून्स। इसका अर्थ है कि तुम खुश हो और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो दूसरों की फेलिंग्स, असफलताओं पर, मिसफॉर्चून्स, दुर्भाग्य पर। द सेंस ऑफ इन्फेरिटी इन अदर्स, दूसरों में इन्फेरिटी या हीन भावना का जो भाव है, विदाउट दिस डायरेक्ट अपील टू अवर सेल्फ लव, और ये एक इनडायरेक्ट अपील है सेल्फ लव के प्रति, आत्म प्रेम के प्रति, इज अ पेनफुल फीलिंग, और ये एक दर्द भरी भावना है, एंड नॉट एन एक्सल्टिंग वन, और ये हमें बहुत खुश करने वाली बात नहीं है। यू कंप्लेन सिंस दैट द बॉयज लॉफ एट यू। सिंस, जब से तुम हॉस्टल में हो, तुम शिकायत करते हो। बॉयज लॉफ एट यू, लड़के तुम पर हंसते हैं, एंड डू नॉट केयर अबाउट यू, और तुम्हारी परवाह नहीं करते, एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वेर एट होम, और ये भी कि तुम्हें घर जैसा व्यवहार वहां नहीं मिलता है। माई डियर, दैट इज वन चीफ रीजन फॉर योर बींग सेंट टू स्कूल, और यही मुख्य कारण है तुम्हें हॉस्टल भेजने का। टू इन्योर यू बिटाइम्स टू द अनअवॉइडेबल रफ्स एंड अनसर्टन रिसेप्शन यू मे मीट इन लाइफ। जीवन में तुम अनअवॉइडेबल रफ्स, ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम अवॉइड नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। अनसर्टन रिसेप्शन, तुम्हारा हर जगह स्वागत नहीं होगा, तो तुम इन सब चीजों को झेल सको, तुम इन सब चीजों को इन्योर कर सको, सहन कर सको, इसलिए मैंने तुम्हें हॉस्टल भेजा है। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी, तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते हो।
एंड परहैप्स इट इज एज वेल दैट यू कैन नॉट, और शायद ये अच्छी बात है कि तुम नहीं रह सकते हो. बट यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू शो द सेम कंसर्न अबाउट यू एज आई शुड. परंतु तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, आशा नहीं करना चाहिए कि वे तुम्हारे प्रति सेम कंसर्न, उतनी ही चिंता बताएं एज आई शुड, जितनी कि मैं बताता हूँ. यू हैव हिथर्टो बीन अ स्पॉइल्ड चाइल्ड. हिथर्टो अभी तक, स्पॉइल्ड बिगड़े हुए बच्चे थे तुम. एंड हैव बीन यूज्ड टू हैव योर ओन वे अ गुड डील. और तुम्हें गुड डील बहुत अधिक घर पर अपनी चलाने की आदत थी, बोथ इन द हाउस एंड अमंग योर प्ले फेलोज, घर में भी और अपने प्ले फेलोज अपने साथियों के साथ में भी. विथ होम यू वेर टू फॉन्ड ऑफ बीइंग अ लीडर. विथ होम जिनके साथ में कि तुम बहुत खुश थे लीडर बनकर. बट यू हैव गुड नेचर एंड गुड सेंस. परंतु तुम्हारा अच्छा स्वभाव है और अच्छी समझ है. एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम. और समय के साथ में तुम इन सब बातों को समझने लगोगे. यू हैव नाउ गॉट अमंग अदर बॉयज हु आर योर इक्वल्स. अब तुम जहां हो वहां पे जो लड़के हैं वो तुम्हारी इक्वल्स हैं, बराबर हैं, और बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन योर सेल्फ, या तुमसे बड़े हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है. एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड्स ह्यूमरिंग योर विम्स एंड फैंसीज. और उनके पास में तुम्हें तुम्हारी सनक और तुम्हारी कल्पनाओं को ह्यूमर करने, तुम्हारी कल्पनाओं को पूरा करने के अलावा भी काम है. एंड यू फील दिस एज अ रिपल्स. और तुम्हें लगता है कि ये कोई रिपल्स, विकर्षण या पीस ऑफ इनजस्टिस तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है. द फर्स्ट लेसन टू लर्न इज दैट. परंतु सबसे पहला लेसन जो तुम सीखना चाहिए, देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड्स योर सेल्फ. दुनिया में तुम्हारे अलावा भी लोग हैं. देर आर अ नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल वेयर यू आर. जिस स्कूल में तुम हो वहां बहुत सारे बच्चे हैं. हुज अम्यूजमेंट्स एंड परसुइट्स वॉट एवर दे मे बी आर, और जिनके अम्यूजमेंट्स मनोरंजन और परसुइट जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, वॉट एवर दे मे बी, जो भी वे चाहते हैं. एंड आर ऑट टू बी आर एज मच कंसिक्वेंस टू देम एज योर्स कैन बी टू यू. और ये सारी चीजें उनके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की तुम्हारे उद्देश्य तुम्हारे लिए. टू विच देयर फोर, और इसलिए यू मस्ट गिव वे इन योर टर्न. और तुम्हें इस उन्हें रास्ता देना होगा. द मोर एयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इंपॉर्टेंस यू गिव योर सेल्फ, मोर एयर्स जितना तुम इतराओगे, और चाइल्डिश सेल्फ इंपॉर्टेंस बचपना और आत्म मुग्धता का भाव तुम बताओगे, यू विल ओनली एक्सपोज योर सेल्फ टू बी द मोर थॉटेड. और उतना ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हें नकारा जा रहा है एंड लॉफ्ट एट, और उतना ही तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी. ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम. ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पाठ में भी और जीवन में भी. ट्रू इक्वालिटी, सच्ची बराबरी, इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी, ही सच्ची नैतिकता है, और ट्रू विजडम या फिर सच्ची बुद्धिमानी है. यानी दुनिया में सभी इक्वल हैं, और यही सबसे बड़ी नैतिकता है, और यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है. हमें ये बात मान लेना चाहिए कि दुनिया में जितने लोग हैं उन्हें भी हमारे जितना ही अधिकार है.
रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन अमंगस्ट अदर। हमेशा ये याद रखो कि आप भी दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से एक हो। यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी, और सोसाइटी में, समाज में अपनी जगह को ज्यादा मत आंको। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज्ड। अपने पिता के घर में तुम जैसा चाहते हो वैसा तुम कर सकते हो। इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न। दुनिया में तुम्हें हर टर्न पर, हर मोड़ पर कॉम्पिटिटर्स, हर मोड़ पर प्रतियोगी मिलेंगे। यू आर नॉट बोर्न अ किंग्स सन। तुम किसी राजा के बेटे बेटे नहीं हो। टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट टू मिलियंस, कि तुम मिलियंस लाखों लोगों को डिक्टेट कर सको, अपनी तानाशाही चला सको या नष्ट कर सको। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट। तुम केवल एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम केवल आशा कर सकते हो कि जो उनका भाग्य है वो तुम्हें मिलेगा। और सेटल योर डिफरेंसेस अमिकेबली, या फिर अमिकेबली, सौहार्दपूर्वक, तुम्हारे जो डिफरेंस है, तुम्हारी जो लड़ाई है उनके साथ वो निपटा लो। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल। तुम्हें अभी ही स्कूल में ऐसा लग रहा है। एंड आई विश यू टू बी रिकनसाइल टू योर सिचुएशन एज सून। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो सिचुएशन है, तुम्हारी जो स्थिति है, उसे जल्दी ही रिकनसाइल कर लो, स्वीकार कर लो। विद एज लिटिल पेन एज यू कैन। जितना कम दर्द इसमें तुम जल्दी स्वीकार करोगे, उतना ही कम दर्द तुम्हें होगा। योर अफेक्शनेट फादर, तुम्हारा स्नेही पिता, विलियम हैजलिट। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से पिता के द्वारा बहुत सारी बुद्धिमानी की बातें बेटे को सिखाई गई, बताई गई। जितनी ये सारी बातें बेटे के ऊपर लागू होती है, उतनी ही हम पर, आप पर, मुझ पर, सब पर लागू होती हैं। तो जो बातें, अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं, अगर हम उन्हें जीवन में उतारेंगे, जीवन में इन्हें फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले भाग में करेंगे।